हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं स्विगी में लॉगिन और कुल लेके। स्विगी में हमारे बहुत से पार्टनर हैं जो अभी फ़िलहाल में न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और उन्हें हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि स्विगी में कब ज्वाइन करना है, यानी कि कब लॉगिन करना है, कब लॉग आउट करना है। कभी कभी वो लॉगिन आवर्स पूरा देते हैं लेकिन उनका इंसेंटिव नहीं आता है। तो लॉगिन आवर्स से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम को मैं इस वीडियो में बहुत शॉर्टली क्लियर करने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो एक बार चैनल शाहबीज नूरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैं हूँ शाहबीज और अपना चैनल शाहबीज नूरी पर कुवैत से एक बार तह दिल से वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, विदाउट वेस्ट टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए, स्विगी हो या जोमैटो है, दोनों में जो शिफ्ट चेंज होती है वो अपने अनुसार वो किस तरीके से होती है, आप वो सुनिए। जैसे कि आपको मालूम है, स्विगी हो या जोमैटो है, दोनों में पार्ट टाइम भी काम होता है और फुल टाइम भी काम होता है। लेकिन जिस तरीके से जोमैटो में जो शिफ्ट चेंज होती है कंपनी के अनुसार, वो रात के 12 बजे के बाद चेंज होती है, यानी कि 12 से 12 उसमें शिफ्ट चलती है 12 घंटे की। जबकि स्विगी में जो शिफ्ट चलती है वो चलती है आपकी 23 घंटे की। इट मीन्स जब आप सुबह को लॉगिन करते हैं, जैसे मैं मुंबई सिटी की बात करूं, मैं मुंबई में काम कर रहा था, तो 7 बजे जब आप लॉगिन करते थे तो फिर कल सुबह को 6 बजे अगर आप लॉग आउट करते थे तो जब जाके पूरी शिफ्ट कंप्लीट होती थी। यानी कि आप 23 घंटे अगर आप काम करते हैं, वो 23 घंटे में काम करने बाद जितना भी आपका काम होता है तो उस काम के आधार पर कंपनी आपको इंसेंटिव देती है। और जोमैटो में क्या होता है, जोमैटो में अगर आप 12 बजे के बाद काम करते हैं तो वो काम आपका नए शिफ्ट में, यानी कि नए दिन में चेंज होता है। यानी कि वो काम आपका, अगर आप 12 बजे तक काम कर रहे हैं और 12 बजे के बाद सपोज डेट आपका कोई टारगेट है, एमजी है, वो ऑर्डर आपका कंप्लीट नहीं हो रहा था, जब फॉर एग्जांपल आपको 20 ऑर्डर मारने हैं जोमैटो में और आपने 19 ऑर्डर मारे रात को 11:30 बजे तक, और आपका जो 200 ऑर्डर है वो आपने 12:30 बजे कंप्लीट करा रात को, तो वो आपका काउंट नहीं होगा, वो काउंट होगा आपके अगले दिन, यानी कि अगले टारगेट में। तो सबसे पहले एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात क्लियर ये करनी है, जैसा आपकी पार्ट टाइम की आईडी है और पार्ट टाइम की आईडी में आप शाम को 7 बजे या 6 बजे लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद आप 11 बजे या 10 बजे अपनी शिफ्ट के अनुसार लॉग आउट हो जाते हैं, और उसमें आपका फॉर एग्जाम्पल कभी कभी टारगेट कम्प्लीट नहीं होता है और आप चाहते हैं कि उससे एक्स्ट्रा अगर आप टाइम दें तो उस एक्स्ट्रा टाइम देकर आप उस टारगेट को कंप्लीट करते हैं, तो क्या आपको इंसेंटिव मिलेगा? बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा। आप जब भी लॉगिन करते हैं तो आपके एप्लीकेशन में हमेशा चेक कीजिएगा लॉगिन आवर्स, यानी कि पीक आवर्स हमेशा दिखाएगा देगा कि मिनिमम आपको कितने घंटे लॉगिन आवर्स देना है। आपकी जैसे 4 घंटे की यानी कि पार्ट टाइम की शिफ्ट है, तो पार्ट टाइम की शिफ्ट में यानी कि 4 घंटे की शिफ्ट में कम से कम कंपनी को आपको 3 घंटे 45 मिनट देने होते हैं। जब आप अपना एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो एप्लीकेशन में आपको क्लियरली दिखाई देगा कि आपको कितने घंटे लॉगिन आवर देना है। इसी तरीके से अगर आपकी फुल टाइम शिफ्ट है तो फुल टाइम की शिफ्ट में आपका लंच में और डिनर में, यानी कि लंच का जो टाइम होता है वो 12 से 4 होता है और डिनर का जो टाइम होता है वो आपका शाम को 7 बजे से 11 बजे तक होता है, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें आपको लंच में भी और डिनर में भी कम से कम जो है 3 घंटे 45 मिनट यानी कि 3.25 घंटे का आपको लॉगिन आवर देना होता है। एक तो बात ये हो गई, अगर आप 3.25 घंटे से 1 मिनट भी कम लॉगिन आवर्स देते हैं तो कंपनी आपको जो आपके काम पर इंसेंटिव बनता है वो इंसेंटिव नहीं देती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पार्ट टाइम में या आपने फुल टाइम शिफ्ट में लॉगिन करने का टाइम आपका 12 बजे है फुल टाइम शिफ्ट में, या आपका पार्ट टाइम शिफ्ट में आपका लॉगिन करने का टाइम 7 बजे है या 6 बजे है, और आप बाय चांस लेट हो गए, आपने 6:12 पे या 13 मिनट पे या 14 मिनट पे लॉगिन किया, तो क्या आपको इंसेंटिव मिलेगा? डेफिनेटली आपको मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप अपनी शिफ्ट में 15 मिनट का अगर आप ब्रेक देते हो, यानी कि 15 मिनट आप लॉगिन आवर नहीं रहते हो, यानी कि 15 मिनट आप लॉग आउट हो जाते हो, 15 मिनट का आपका लॉगिन नहीं है आपके एप्लीकेशन में, तो कंपनी उस चीज़ को छूट देती है, उसको मानती नहीं है। अगर हाँ 15 मिनट से 1 मिनट भी अगर आपका ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी उस केस में आपको इंसेंटिव या बोनस वगैरह नहीं देगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, 15 मिनट की कंपनी आपको छूट देती है, वो पार्ट टाइम की शिफ्ट हो या आपकी फुल टाइम की शिफ्ट हो। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझिए कि आप अपनी शिफ्ट में 15 मिनट का कभी भी ब्रेक ले सकते हैं। अगर आप 15 मिनट लेट चालू करते हैं अपनी आईडी,
तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपनी आपको फुली इंसेंटिव देगी। एक बात तो ये हो, और एक बात हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप पार्ट टाइम शिफ्ट में काम कर रहे हैं, 6 बजे या 7 बजे लॉगिन करते हैं और अगर आपका टारगेट पूरा नहीं होता है तो आप अगले दिन यानी कि सुबह 6 बजे तक आप अपना टारगेट इजी कर सकते हैं। हाँ, अगर 6 बजे के बाद आपका टारगेट पूरा होता है, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कि 20 ऑर्डर पे या आपका 300 के काम करने पे आपको कंपनी 200 रुपये का इंसेंटिव दे रही है, मैं आपको बात बता रहा हूँ समझाने के तौर पर, और वो 300 का काम आपका 6 बजे के बाद पूरा हो रहा है तो उस केस में आपका इंसेंटिव नहीं मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिए कि 6 बजे से पहले पहले ही आपको अपना काम पूरा कर लेना है। सुबह को 6 बजे और सुबह के 7 बजे यानी कि 1 घंटे का जो टाइमिंग होता है, कंपनी उस टाइमिंग में ब्रेक लेती है, यानी कंपनी का जो ऑफिशियल नेटवर्क है वो क्लोज हो जाता है यानी कि अर्निंग बेसिस पे। तो इस बात का ध्यान रखिए, 23 घंटे की शिफ्ट होती है, इसी में आपको काम करना होता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जो लॉगिन आवर से संबंधित चीज़ें थी उनको क्लियर करने की कोशिश करी है, लेकिन आपका फिर भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में ना आया हो तो इस वीडियो में मैंने जो है अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले किया है, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वो मुझे अपलोड कर दीजिए, मैं आपको लॉगिन से संबंधित पूरी प्रॉब्लम वहाँ क्लियर करूँगा। और वीडियो में प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप कमेंट नहीं करते उससे मुझे ये मालूम होगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ी भी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ एक लेटेस्ट अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।